दोस्त आ रही है वो मुझसे अच्छे से बात नहीं करती है, रूडली बात करती है, और उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं रैपिडो बॉय हूँ। अगर उसे पता चल जाएगा तो वो मुझे छोड़ देगी। अरे ऐसा क्यों, मतलब क्यों छोड़ देगी यार? मतलब आप जॉब कर रहे हो यार, मेहनत कर रहे हो, मतलब थोड़ी छोड़ी कर रहे हो जो छोड़ देगी। जॉब तो जॉब होता है ना, हर टाइप का जॉब होता है। ऐसा बात है ना, रैपिडो इज जस्ट लाइक ऑटो ड्राइवर। हेलो व्हाट्सअप गाइस, इसमें जानी मार्टिना। जैसा कि आप लोग देख रहे हो आज का वेदर काफ़ी अच्छा है, तो मेरा ना आज शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मेरा मन कर रहा है कहीं घूमने जाने का, ठीक है? तो मैं सोच रही हूँ कहीं घूमने जाने का, बट आज कोई भी नहीं आया, ना मोहित आया ना सौरभ आया हुआ है। तो मैंने सोचा यार कोई नहीं है तो चलो रैपिडो से ही काम चला लेती हूँ। तो गाइस रैपिडो बुक हो चुकी है और अब मैं आगे क्या करने वाली हूँ, मेरे आगे का क्या प्लान है, आप लोग वीडियो आई तक। मैं पार्क के बाहर आ चुकी हूँ, जैसा कि भैया ने कहा कि वो कभी भी आ सकते हैं, और इसलिए मैंने अपने साथ आज ये हेलमेट रखा हुआ है, ठीक है? क्योंकि इसमें गोप्रो लगा हुआ है। ओके, तो गाइस अब देखिए आगे काफ़ी मज़ा आने वाली है। मैं आगे उन्हें काफ़ी परेशान करने वाली हूँ। ये देखो गोप्रो है ना, यहाँ से मैं जब भी स्टार्ट करूँगी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, वेट लग रहा है, कॉल आ गया। हेलो हेलो, हाँ भैया। हाँ मैम, मैं एसके पुरी पार्क के गेट पे आ गया हूँ। तो भैया आप इधर आ जाइए ना, यहाँ बहुत सारे स्टॉल वगैरह लगे होते हैं ना। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ मॉम्स लव मोमोज करके होगा, वहाँ पे मैं खड़ी हूँ। आज भैया बस आने ही वाले हैं, वो आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ। OTP एक सेकंड 0122। ठीक है, किधर जाना है? क्या भैया, मैंने लोकेशन तो डाल रखा है। मैं यहाँ पे नया हूँ तो मुझे। अरे भैया नए हो, मैं भी तो नई हूँ, मैं कौन सी पुरानी हूँ। चलो ठीक है, मैं भी हेलमेट पहन लेती हूँ। ठीक है, चलिए भैया। भैया आपने काफ़ी देर कर दी। अच्छा ऐसे देर नहीं करते ना भैया, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। कोई नहीं भैया, कहाँ जा रहे हो? मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा। यही पे? हाँ थैंक यू सो मच भैया, आपके जैसे इंसान नहीं मिलते आज तक। कितना हो गया? चेक कर लेता हूँ, 24 रुपीज़। ठीक है, चलो भैया आ जाओ, थोड़ा कुछ खा पी लो, मैंने आपका इतना टाइम वेस्ट कर दिया। मैडम मैं काम ड्यूटी पर हूँ अभी। कोई नहीं, ड्यूटी तो होती रही ना, सारा दिन आप ड्यूटी करते हो। मैंने वैसे भी पहले भी कहा ना, आज मैं एकदम अकेली हूँ, बोर हो रही हूँ, आप थोड़ी मुझे कंपनी दे दो। अरे बहन समझ के दे दो, मैंने भाई बोल दिया। चलो ज़्यादा देर के लिए नहीं, नहीं नहीं ज़्यादा देर के लिए नहीं, मैं आपका टाइम नहीं लूँगी, बट कुछ खा पी लो, मैंने आपको इतना गोल 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 घुमाया है ना। ठीक है मैम, चलिए। कर दीजिए। और वो रोल रखते हैं ना, एक रोल इनके लिए, क्योंकि मैं खाना खाती हूँ। अरे भैया खा लीजिए थोड़ा। तो बताओ आप, मतलब जब मैं आपसे बातें कर रही थी आप एकदम चुप चुप थे, क्या बात है? ऐसे ही मैम, थोड़ा पर्सनल बात है। पर्सनल मतलब यार, मैंने कहा मुझे अपनी बहन जैसी समझो ना, और मुझे बहुत इंटरेस्ट है, आप बताओ ना। एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा आपकी गर्लफ्रेंड है, वाओ। उसकी नीड्स पूरा करने के लिए मैं रैपिडो चलाता हूँ। अच्छा मतलब गर्लफ्रेंड की नीड्स पूरी करने के लिए आप रैपिडो चलाते हो, वाओ यार। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है वो मुझसे अच्छे से बात नहीं करती है, रूडली बात करती है, और उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं रैपिडो बॉय हूँ। अगर उसे पता चल जाएगा तो वो मुझे छोड़ देगी। अरे ऐसा क्यों, मतलब क्यों छोड़ देगी यार? मतलब आप जॉब कर रहे हो यार, मेहनत कर रहे हो, मतलब थोड़ी छोड़ी कर रहे हो जो छोड़ देगी। जॉब तो जॉब होता है ना, हर टाइप का जॉब होता है। ऐसा बात है ना, रैपिडो इज जस्ट लाइक ऑटो ड्राइवर।
यार ट्राई, मैं मानती हूँ यार, बट आप खुद का मेहनत तो कर रहे हो ना, खुद से मेहनत कर रहे हो। लेकिन वो नहीं ना समझेगी, उसके आजकल उसके फ्रेंड्स हैं, भड़काने के लिए सब काफ़ी है। अरे यार आप सैड क्यों हो रहे हो, मतलब इतनी सी बात को लेके आप जो भी कर रहे हो उसके लिए कर रहे हो ना जी, तो फिर मतलब परेशान मत हो यार, एक ही तो लाइफ है, चिल करो, खुश रहा करो। आई विल ट्राई यार, ऐसे उदास रहने से कुछ नहीं होता। और जहाँ तक बात है, मतलब देखो आपकी गर्लफ्रेंड को ये बातें नहीं पता है, ठीक है, तो मतलब आपको क्या लगता है अगर उसे पता चलेगी तो वो आपको छोड़ देगी? 100% मुझे ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं होता ना, जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे मतलब ये छोटी सी चीज़ है, और आप जो भी कर रहे हो प्लस पॉइंट है कि आप उसके लिए कर रहे हो ना। आपकी बात सही है मैम, लेकिन अगर उसे पता चलेगा वो मुझे छोड़ेगी नहीं, फिर भी मुझे ये काम करने नहीं देंगे, और मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो सीधे यही शर्त रखेगी कि या तो तुम ये काम करो या तो मुझे चूज करो। ओके, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है बताओ? परेशान होने की बात तो ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी अब मन नहीं लगता। अरे भैया देखो, मैं तो यही बोलूँगी ना यार, मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी भी जरूरी है ना रिलेशनशिप में, आप लोग को अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी चाहिए, ठीक है, है कि नहीं? और पता है दूसरी बात है ना कि आप उससे मतलब छुपाओ मत ये सारी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि देखो कहीं ना आप भी उसका ट्रस्ट ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। अगर मान के चलो उसको किसी और से ये सारी चीज़ें पता चलती है तो फिर गलत है ना ये। लेकिन प्यार में सब जायज़ है। ठीक है भैया, प्यार में जायज़ है, मुझे ये भी पता है कि आप उसके लिए ही कर रहे हो, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि मतलब छुपाओ मत आप उससे, जो भी है क्लियर रखो, उसे बता दो, उसके बाद भी अगर वो आपके साथ रहे ना रहे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं यही बोलूँगी तो किसी और से पता चलेगा तो उसे बहुत दुख होगा, ठीक है। अगर मतलब आप उसकी जगह पे रह के देखो ना, मतलब अभी ऐसा मत बोलना कि मैं एक गर्ल हूँ तो गर्ल का साइड ले लूँ, बट अगर आप ही देखो ना, अगर आप वो कुछ कर रही है, ठीक है, और आपको किसी और से पता चलता है तो आप हर्ट हो गए ना, तो आप उसे समझाओ उसके लिए कर रहे हो, और मैं क्या बोल सकती हूँ। अरे भैया ऑर्डर दे दिए मैंने चाय को, पीके जाओ। अरे फिर परेशान मत रहा करो, खुश रहा करो, लाइफ में एंजॉय क्या करो यार, एक ही तो लाइफ है, फिर थोड़ी मिलनी है। कितना टाइम लगेगा भैया? सोच रहा हूँ चाय की दुकान खोल। चाय की दुकान खोल लो, वाह नाइस आइडिया। तो अपनी मतलब गर्लफ्रेंड से बात करो, कोई भी देखो काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है, ठीक है, और किसी भी मतलब आप स्पेशली किसी भी बिजनेसमैन को या फिर कुछ भी देखो, सब लोग छोटा सा करके बड़े पे गए ना, बस यही इतनी सी तो बात है, कहते हैं ना तिनका तिनका से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यूपी ऐसा कुछ है ना, तो बस यही है, इसीलिए इंजॉय करो लाइफ को, ठीक है भैया। और अगर ज़्यादा इशू बढ़े तो अपनी मुझसे मिलवा दो अपनी गर्लफ्रेंड को। किसी से मिलती नहीं है। ये लो शादी, थैंक यू। आज पता नाना काफ़ी बोर हो रही थी, मैं हर रोज़ इस पार्क में आती हूँ अकेले, अकेली नहीं ग्रुप के साथ आती हूँ, बट आज अकेली थी। आज अकेली क्यों थे? बस ऐसे ही, मतलब सब अपने अपने काम में थोड़ा बिजी थे और मेरे पास कोई काम नहीं था, प्लस मैंने देखा कि आज का वेदर काफ़ी अच्छा है तो मैंने सोचा कि राइड पे चला जाए, फिर वो मज़ा कैब में नहीं है ना, उसमें भी बंद बंद सा लगता है, तो इसलिए मैंने रैपिडो बुक किया था। देखो रैंडमली आपसे मिल गई। बोलूँगी कि आप परेशान मत हो, ठीक है, सब होता है, अच्छा होता है लाइफ में, ठीक है, नहीं हो रहा है तो आगे अच्छा होगा, ठीक है।
मतलब मैम मत बोलो, मुझे बहन बना लो, दोस्त बना लो, मैम क्या होता है, दीदी बोल सकते, दीदी कुछ भी बोल लो, जैनी नाम है वैसे मेरा। हाँ जी, तो भैया आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मेरी बुकिंग आ गई है, कॉल आ रहा है क्या? नहीं, बुकिंग आई है। करवा देगा, ठीक है, इसे यही रख दो, आप वो ले लो अपने हाथ में।